जोत की भूमि कम हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर जो किसान के उपकरण हैं ट्रैक्टर से लेकर के, और ये सारे चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, कंबाइन हो, डिस्कॉउ, सारे इस पर जीएसटी ज्यादा मान्य हो रहा है। तो इसलिए मेरा सरकार से कहना आग्रह है कि जीएसटी को शून्य किया जाए या तरसंगत किया जाए, इससे किसानों को बेहतर उसका लाभ मिले। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में खेती किसानी में जो मशीनीकरण का दर है वो मात्र 45% है, वहीं अमेरिका में 95% किसी उपकरण उपयोगी रहते हैं, ब्राजील में मानो 85% है, चाइना जैसे जगहों पर भी 60% कृषि उपकरण उपयोग हो रहे हैं। तो मानो आपसे मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कहने के लिए कि ये लागत कम करने के लिए, अगर लागत कम होगी तभी मान्यवर किसानों का लाभ होगा। और दूसरी तरफ जैसे लागत के आधार पर मान्यवर कहना चाहूंगा आपसे, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, इस पर भी जीएसटी मान्यवर है। तो ये सारी चीजों पर जीएसटी इतनी ज्यादा है कि लाभकारी मूल्य तो मुश्किल है, लागत मूल्य भी नहीं आ रही है। तो मान्यवर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कृषि में उपयोग आने वाले कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाओं, बीज पर तर्कसंगत ढंग से जीएसटी शून्य करेगी या अन्य तरीके से, जिस तरीके से अच्छे ऊर्जा पर आपने किया है 5% करेगी, सरकार से मैं जाना चाहता हूं। आप मान लो माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसके बाद एक सवाल पूछा। अगर आपको जानकारी हो मान्यवर, खाद और कीटनाशक पर 5% पहले से टैक्स है, 5% है उसके ऊपर टैक्स, 5%। और जहां तक सवाल अरे बीच में उत्तर आ गया, जहां तक सवाल यह है कि हाथ के संचालित या पशु चालित कृषि उपकरण जैसे कुदाल, फावड़ा, गटके, गैती, कांटे, रैक, कुल्हाड़ी, हसिया, घास काटने के चाकू, ये सब मान्यवर कर मुक्त है, मान्यवर ये सब कर मुक्त है। और सवाल ये जबरदस्ती नहीं, आदमी को पहले समझ तो लें। एक विषय पर मान्यवर जीएसटी काउंसिल में जब तक कॉमन कंसेंसस नहीं बनाया जाता मान्यवर, तब तक निर्णय नहीं होता। वहां बाकायदा एक लीगल कमेटी बनी हुई है, एक फिटमेंट कमेटी। पहले अगर कोई अगर लीगल मैटर है तो फिट लीगल कमेटी में जाएगा, अगर फिटमेंट कमेटी वाला मैटर है यानी कि मेरिट के ऊपर है तो मेरिट वाला उसको देखेंगे कि इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। मान्यवर ये जो 12% रखा गया है, ये अगर नहीं रखेंगे तो ये कृषि यंत्र और महंगे होंगे, जो किसान की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसका ITC ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, चूंकि आयरन में 18% है और 18% इसीलिए कृषि को खास तौर से छोड़ा गया कि ये जो उपकरण इसमें ये दिए गए 12% वाले, अगर ये 12% वाला ITC उसको मिलता है, जिसकी वजह से किसान की जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, और अगर ये नहीं होगा तो लोग इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे, इन चीजों को इंपोर्ट भी कर लेंगे और साथ साथ इस किसान की जेब के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ेगा। इसलिए बहुत बहुत बड़ी इसके ऊपर मंथन करने के बाद, काफी कई मीटिंगों में इस बात को स्थगित करने के बाद तब ये 12% हुआ, क्योंकि ITC इसमें मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो भी वो देता है उसको वो वापस मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो ये किसानों को और दाम महंगे महंगे पड़ेंगे। इसका राजेंद्र एक बार इसकी सरकार इनकी केंद्र में भी है, सरकार इनकी प्रदेश में ही मान लो जीएसटी काउंसिल सारे प्रदेशों को मिल करेगा। राजेंद्र जी ये जीएसटी कित में मान्यवर जीएसटी काउंसिल सारे देश के सभी प्रदेशों से मिलकर बनती है, सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी समझ में आ गई जीएसटी कम कैसे होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब आपका रेवेन्यू सरप्लस, अध्यक्ष महोदय जब माननीय मंत्री जी ये कहते हैं कि उनका रेवेन्यू सरप्लस है, और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, तो जिस सरकार का रेवेन्यू सरप्लस है वो जीएसटी नहीं, किसान को सीधे क्यों नहीं सब्सिडी देती है। ओहो, आप क्या कह रहे हैं, रुकिए एक मिनट। किसान को एक एक बोरी के ऊपर
खाद के ऊपर कितनी बड़ी सब्सिडी देते हैं, और जहां तक खाद और कीटनाशक की बात कही, चोरी हो रही है उसका क्या बताएंगे? खाद और कीटनाशक, खाद और कीटनाशक की बात कही आप ही, बात कही आप ही के सवाल में, तो उसके ऊपर 5% है केवल, जो सबसे मिनिमम है, और वहां वो एक आदमी बैठ के निर्णय नहीं लेता, एक भी विषय ऐसा नहीं है, सारे अपोजिशन के स्टेट्स भी हैं, उसमें वेस्ट बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, और वो स्टेट्स हैं कि जो खास तौर से ज्यादा वोकल है, वो बात समझ, बिहार भी है। मानवर मेरा ये कहना है कि जिसमें जैसी जहां पर आवश्यकता होती है सारे इश्यूज को देखकर तब कहीं जाकर इस पर निर्णय लिया जाता है, कोई एक व्यक्ति या एक स्टेट इसके ऊपर निर्णय नहीं करती, और जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है यूनियन गवर्नमेंट को, कोई ऐसा नहीं जीएसटी काउंसिल अपने आप रिकमेंड करके और उसे टैक्स लगा देती हो, जो उसकी प्रक्रिया है वो भी, और जो ये जो कुछ हुआ है ये काफी कुछ मंथन के बाद हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, अगर ये नहीं होगा तो और ज्यादा महंगे यंत्र, ये जो कुछ भी आपने दिया है मशीनी वाले, ये और ज्यादा महंगे मिलेंगे, जिससे किसान की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन इक्विपमेंट्स पर जीएसटी ये है, ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी ये बात मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी जब आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका, अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे 24,000 रुपए, आप 54,000 वसूल रहे गिट्टी लोडर पर, तो किसान को सुविधा देने के लिए क्या ये डबल इंजन की सरकार इस बात पर सोचेगी कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी, दोगुनी तो सपना है लेकिन कम से कम उनकी आय बढ़ेगी, क्या आप इस पर विचार करेंगे? किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए, 50-50 साल हो गए जिनको, जिन योजनाओं को सिंचाई की योजनाएं 50 साल हो गए उनको पूरी नहीं हुई, आपकी भी सरकार रही, आपने पूरा नहीं कर पाए, और हमने जो सन 70, 75 और 77 तक की योजनाओं को इस सरकार ने पूरा, योगी सरकार ने पूरा किया, और जहां तक उसकी बात है, जहां तक सब्सिडी की बात है, आज नैनो यूरिया हमारी देन है, एक आधी बोतल में हम पूरी बोतल का पूरी बोरी का काम कर रहे हैं, आधी बोतल नैनो यूरिया में, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है मान्यवर, इस सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सब्सिडी दी है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो देंगे। MSP हमने कितने, जो जितने मिलट्स आ रहे हैं, जितने कृषि उत्पादन है उसमें सबसे ज्यादा MSP बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, ये स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए क्या अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, अगर ये बात सच है तो आज धान कितनी खरीद हो गई है, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, यहाँ भी बैठे हैं, वो आगे आएगा, धान की खरीद आएगा, और वो आगे है, वो आगे है अध्यक्ष महोदय, वो आगे आएगा अभी इसी, क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या प्राइवेट कंपनियों को खरीदा, वो जीएसटी में बढ़ाइए मत। मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जीएसटी इतने 12% से लेकर के 18% आप इक्विपमेंट्स और जो फार्मर्स यूज करते हैं वो ले रहे हैं, क्या डबल इंजन की सरकार और रेवेन्यू सरप्लस सरकार और लगातार चलती हुई सरकारें दिल्ली में 10 साल और यूपी की लगभग 7 साल, क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? जीएसटी कम करना मान्यवर ये हमारे हाथ में नहीं है, और जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां सब्सिडी भी दी जाती है और किसानों की मदद भी की जाती है, पूरा सहयोग किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये 12 से 18% जीएसटी लग रही है किसानों के इक्विपमेंट्स पे, वो कम नहीं कर पाएंगे, ट्रैक्टर पे लग रही है, कंबाइन, वो जीएसटी का अधिकार इनको नहीं है, अरे हैरो पे लग रही है, कल्टीवेटर पे लग रही है, अरे वो अधिकार ही नहीं है ना, लग तो रही है लेकिन जब उनका राइट ही नहीं है तो वो कैसे उसका उत्तर दे देंगे? स्वामी ओमवेश जी मंत्री जी बैठे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे
प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ी 2 लेन डामरीकरण करने की योजना पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं स्वामी ओमवेश साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माना ही नहीं अपितु महान भी हो। ये सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है? विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन करने हेतु IRC 64-1990 के अनुसार निर्धारित PCU एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 6000 से 15000 तक PCU के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है। माननीय महोदय, मेरे क्षेत्र में जो 23 चांदपुर है, चांदपुर बास्टा से मानपुर अहरोला मार्ग प्रदेश के अन्य जिला मार्गों की श्रेणी में ही आता है।